हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ कार फॉर सेल। तो मैं सो के उठ चुका हूँ, अब चलते हैं सीधा ऑफिस में। सामने मेरे कार खड़ी है, इस कार को लेके चलते हैं सीधा ऑफिस में। और आज ऑक्शन भी है, हम कोशिश करेंगे ऑक्शन जाने की। तो चलो सीधा चलते हैं कार ऑक्शन में। सीधा भागते हुआ जा रहा हूँ ऑप्शन में, और कार के आप पटाखा बजा रही है, सुन रहे हो आप? ओ भाई क्या पटाखा बजा रही है। और मैं आ चुका हूँ कार ऑप्शन में। कार को पार्क करते हैं और सीधा टिकट खरीदते हैं। मैं कार से उतर चुका हूँ, चलो टिकट खरीदते हैं फटाफट। $300 लग रहा है टिकट खरीदने में। चलो बैठते हैं चेयर पे और कौन कौन सी कार आते हैं देखते हैं। मर्सिडीज वी क्लास आया है। मैं इस कार से इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं बेड नहीं लगाऊंगा। और भी कार है, 3 कार और भी है, देखते हैं कौन कौन सी कार आता है। अभी फटाफट से कोई खरीदो इस कबाड़े को। ओके, बहुत टाइम बाद खरीद लिया। नेक्स्ट कार पोर्शे है, और इस पोर्शे हमारे ही है समझ लो तुम। मैं जैसे तैसे इस कार को लेने वाला हूँ। 10,000 ये कार हमारी है, चिंता मत लो। कितने लेना है ले लो, मैं तो इस कार को खरीद के ले जाऊंगा आज। ओ भाई खरीद लिया 1,70,000 में। ये कौन सी कार है? डॉज है, ये भी अच्छा कार है। मैं डॉज खरीदने नहीं वाला हूँ, क्योंकि लास्ट कार कोई अच्छे से कार मिल जाए तो लास्ट में तो कुछ अच्छा ही हो जाएगा, और हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो हम लास्ट कार के लिए वेट करेंगे। भाई बहुत टाइम से चलता जा रहा है और ख़रीद लिया। ओ मेरी किस्मत ही ख़राब है, मुझे इस वैन मिला है, इसको ही खरीद लेता हूँ। मैं सोचा था कोई अच्छा ही कार होगा, इसलिए मैं डॉज नहीं खरीदा, लेकिन मुझे मेरे चुना लग गया। ओके गाइस, बहुत टाइम बाद ये ले लिया। ओके मेरे पास अभी है एक पोर्शे लिया और एक कैरावैन लिया। कैरावैन भी अच्छे प्राइस पे बेचता है, लेकिन मुझे तो डॉज होता तो अच्छा ही हो जाता कुछ। इस कार की सब कुछ ठीक ठाक है, कोई डैमेज नहीं है। इसको देख लेता हूँ डैमेज है कि नहीं। इसको भी डैमेज नहीं है, थोड़ा सा डार्टी है, वो क्लीन कर दूँगा मैं। इसको पार्किंग स्लॉट में भेज दिया, और 2 कार को भेजना है। मैं एक काम करता हूँ, डॉज को रिपेयर में भेज देता हूँ और इस कार को लेके चलते हैं। हम पोर से खरीद लिया, फर्स्ट टाइम कोई सुपर कार। चलो इसको चलाते हैं और ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसको क्लीन करना जरूरी है, बहुत डार्टी है, थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद जाएंगे। ये निकाला स्पॉन्ज, स्पॉन्ज से डार्टी को क्लीन करते हैं। बहुत प्यारा कलर है, चलते हैं इसको फटाफट से क्लीन करके चलते हैं। ऑलमोस्ट हो चुका है, और चलो इंजन स्टार्ट करते हैं और कार को भगाते हैं, देखते हैं कितना भागते हैं। ओके
चलो भगाते हैं इसे। भाग तो रही है लेकिन कंट्रोल में थोड़ा दिक्कत हो रही है। वो भाई पटाखा बजा रही है ये भी। चलते हैं सीधा और राइट। जाते जाते अंधेरा हो चुका है। चलो कंटेनर में जाते हैं। और ये कार कार की कंट्रोल मुझे अच्छा नहीं लगा। हर जगह ठुकती रहती है। इतना कंट्रोल खराब है। तो मैं कल इसको सेल कर दूंगा। मेरे पैसों की भी ज़रूरत है अभी। मैं कोई कार अभी नहीं रखने वाला। इसको बेच के बहुत सारे पैसा गड्ढे हो जाएंगे। कार को पार्क करते हैं और चलते हैं सीधा कंटेनर में। कल सुबह मिलते हैं। चलो कंटेनर में जाके सो जाते हैं। गुड नाइट गाइस। आज हमें 185,000 डॉलर नुकसान हुआ है। जा चुके हैं। ओके गुड मॉर्निंग गाइस। आज कार मार्केट ओपन है लेकिन मुझे इस कार को बेचना है। इस कार को मैं डबल रेट में बेचने वाला हूँ। तो चलते हैं सीधा ऑफिस में। चलते हैं। हम शोरूम में एक एम्प्लॉय रखे हैं। वो सारे क्लीन करते हैं। कूड़ा कूड़ा साफ करते हैं। तो चलते हैं सीधा ऑफिस में। वो ड्रिफ्ट बहुत बढ़िया एक ड्रिफ्ट हुआ। चलो ऑफिस में। ओके गाइज मैं ऑफिस में आ चुका हूँ। कार को साइड में पार्क करते हैं और चलते हैं। पहले मैं उस कैराबिन को बेचने वाला हूँ। तो उसको सीधा ऑफिस में पार करते उसके बाद बेचने में लगाऊंगा। कार में इंटर करते और कार की इंजन स्टार्ट करते चलते सीधा कार को पार करने। कार बहुत गंदी हो चुकी है। क्लीन करना पड़ेगा बेचने के पहले। वो हमारे एम्प्लॉय है वो कर देंगे। हमको सिर्फ कार को पार्क करना है। इतना बड़ी कार को पार्क करने में दिक्कत हो रही है बहुत। चलो ओके गाइस कार पार्क हो चुके हैं। कार को चलते हैं सीधा इसको बेचने में लगाते हैं। ऑफिस में चलते हैं। कंप्यूटर को ऑन करते हैं और वेब पेज इस कैराबिन को बेचते हैं सीधा। इसके डबल प्राइस में बेच दूंगा। 25,000 डॉलर में बेच रहा हूँ मैं। चलो वो कस्टमर आके तो रेट कमाना ही वाला है। तो चलते हैं कार ओपन करते हैं शोरूम को। ओपन हो चुके हैं। अब कस्टमर की वेट करते हैं। ऑलराइट गाइस बहुत कस्टमर आ चुके हैं। इनसे पूछते हैं कितना प्राइस बोलते हैं। मैंने बोला था 25,000। ये बोल रहा है 13,000। और कुछ लोगों के पूछता हूँ। ये बोल रहा है 17,000। अच्छा है अच्छा दे रहे 17,000। ये कृष्णा बोल रहा है ये 18,000। इसको बेचता हूँ बार्गेनिंग करके। थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ 22,000 में। देखता हूँ नहीं लिया। थोड़ा सा रेट कमाना पड़ेगा। 21,600 नहीं लेने वाला। ओके
और कोई कस्टमर आया कि नहीं देख लेता हूँ पहले, उसके बाद भेजूँगा। नहीं कोई नहीं आया। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, काश कोई अच्छा कस्टमर आ जाए। तब तक मैं इस पोर्से को पार्क करता हूँ भेजने के लिए। चलो इसके इंटर करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके पार्क करते हैं। इसकी इंटीरियर तो अच्छा है बहुत, थोड़ा सा साइड में है। ओके पार कर चुका हूँ। सामने कुछ कस्टमर आया है, देखता हूँ कितना रेट बोलता है। ये बोले 13,000। नहीं भाई डोनट सेल करता हूँ। 13,000 बोल रहे हैं। चले पोर्से को कार पे सेल में लगाते हूँ फटाफट से। पोर्से कुछ कस्टमर है, इसको जाके पूछता हूँ पहले ये कितने में लेता है। 17,000 बोल रहे हैं, इसको 19,000 बोल के बेच देता हूँ, ले लेगा शायद। ओके बेच दिया। चलो पोर्से को आप सेल पे लगाते हैं फटाफट से। वही पेज और पोर्से को सेल पे लगाते हैं। 1,73,000 में लिया था, इसको कितने में सेल करूँ। मैं इसको 4 लाख में सेल करने वाला हूँ। रेट तो गिरेगा इतना, 4 लाख तो कोई नहीं देगा। देखते हैं कितने में सेल होता है पोर्से। वेट करते हैं कस्टमर की और तब तक मैं डॉज को ले आता हूँ। बहुत टाइम से यहाँ पे खड़ा है रिपेयर में। चलो डॉज को ले के चलते हैं हमारे ऑफिस में। चलो फटाफट से लेके चलते हैं। थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा। अभी तक पोर्से के लिए कोई कस्टमर नहीं आए, बहुत टाइम हो गया। अभी तक आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आया। ओके डॉज को यहाँ पे पार्क करते। ओके बहुत टाइम बाद पोर्से के लिए कस्टमर आया है, देखते हैं कितना प्राइस बोलते हैं। 1,91,000। नहीं भाई किसी और से पूछता हूँ कितने रेट बोलता है। मुझे लगता है और भी जाना चाहिए पोर्से के लिए, रेट और भी रेट बढ़ेगा मुझे लगता है। 2,37,000। ओके अच्छा रेट है, बुरा नहीं है। ये कितने बोल रहे हैं, 2,54,000। ये तो बहुत बोल रहे हैं, इससे पूछता हूँ। बार्गेनिंग करके थोड़ा सा बढ़ा के इसको बेचता हूँ। 2,00,000 कितना बोलूँ, कितना बढ़ाऊँ। 2,70,000 बोलता हूँ। वो भाई खरीद लिया, मुझे और भी ज़्यादा बोलना चाहिए था। हमारे वॉलेट में अभी 4,00,000 के आसपास 4,00,000 होने वाले हैं। आज बहुत ही कमाई हुआ है और ऑनरेडी भी हो चुका है। आज मैंने एक पोर्से ख़रीदा और एक कैरावन ख़रीदा था, दोनों ही बेच के बहुत पैसे गाढ़ा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सुपर कार खरीदने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा के लिए गुड बाय। भाई ये डॉज तो बहुत ही पटाखा मार रहा है। चलो गुड बाय।